अचला या अपरा एकादशी व्रत विधि। अचला एकादशी का व्रत जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे कई लोग अपरा एकादशी भी कहते हैं। अपरा एकादशी का एक अर्थ यह भी है कि इस एकादशी का पुण्य अपार है। इस एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्ति होकर भव सागर से तर जाते हैं। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, परनिंदा, भूत योनि जैसे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति को कीर्ति, पुण्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत पुण्यों को प्रदान करने वाला एवं समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपार धन संपदा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से प्रसिद्धि को पाता है। इस दिन भगवान विष्णु व उनके पांचवें अवतार वामन ऋषि की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के दिन पूजा का विशेष विधान रहता है। इसमें साफ सफाई एवं मन की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी तिथि से ही भोजन और आचार विचार में संयम रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल में जल्द उठकर अन्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प और श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। पूजा में तुलसी दल, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल व फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरे दिन परनिंदा, झूठ, छल कपट से बचना चाहिए। पूरे दिन व्रत कर संध्या समय में फल आदि से भगवान को भोग लगाकर श्री विष्णु जी की पूजा धूप, दीप और फूलों से करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पश्चात समस्त लोगों में भगवान का प्रसाद वितरित करें। पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। यदि संभव ना हो सके तो पानी तथा एक समय फल आहार ले सकते हैं। द्वादशी के दिन यानी पारन के दिन भगवान का पुनः पूजन कर कथा का पाठ करना चाहिए। कथा पढ़ने के बाद प्रसाद वितरण, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अंत में भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। जो लोग किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। इन्हें भी झूठ और परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अचला एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य क्या है? इससे किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपया कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी की भरमाना, झूठ वेद बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है।
किंतु अप्रा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अप्रा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अप्रा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के स्नान करने से, बद्रिका आश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है वह फल अप्रा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है वह फल अप्रा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गो तथा भूमि या स्वर्ग के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अप्रा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विधा का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत रोनी से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपना अप्रा या अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगित से छुड़वाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। यह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अप्रा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अप्रा अर्थात अपार या अतिरिक्त। जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। अचला एकादशी का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य को कार्तिक मास में स्नान, गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल मिलता है वैसा ही फल उसे अप्रा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। व्यक्ति का गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा वृद्धा आश्रम में रहने से, बद्रिका आश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो महत्व है वही अप्रा एकादशी का महत्व होता है। अप्रा या अचला एकादशी का फल हाथी घोड़े के दान या करने, स्वर्ण दान करने जैसा ही है। गो व भूमि स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अप्रा का व्रत
पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के प्रकाश समान है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अप्रा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षसियों ने झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस पुण्य व्रत के प्रभाव तीर्थ यात्रा, पिंडदान, स्वर्ण दान आदि से बढ़कर है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अप्रा एकादशी का व्रत करता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति, पापों से मुक्ति तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य इस अमूल देह को पाकर इस महत्वपूर्ण व्रत को करता है वह धन्य है।